नमस्कार दोस्तों, पॉक में अपनी मनमर्जी से सड़क बना रहे चीन को बड़ा झटका। चीन अपनी अतिवादी नीति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। डोकलाम में भी वो ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन भारत ने उसकी नहीं चलने दी। चीन को डोकलाम में भारत के साथ समझौता करना पड़ा और उसके सैनिकों को वापस पुरानी स्थिति पर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि पॉक में भी चीन इन दिनों सड़क निर्माण कार्य कर रहा है। चीन और पाकिस्तान CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क विवादित क्षेत्र पॉक से होकर भी जाती है। भारत इसको लेकर असहमति जताता रहा है, लेकिन चीन अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आता। अब चीन के ही एक विशेषज्ञ ने चीन को चेताने के लिए एक बयान दिया है। चीन के विद्वान ने चीन की सरकार को चेताते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर सड़क नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये एक विवादित इलाका है। इन महाशय का नाम शेन डिंगली है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर चल रही एक बहस के दौरान इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर अपनी बात रख रहे थे। शेन को एहसास है कि विश्व परिदृश्य में भारत एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है और ऐसे में किसी विवाद में भारत से उलझना चीन को भारी पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने चीन की सरकार को समय रहते ही सुधरने को कह दिया है। इस बयान के बाद चीन की सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई होगी कि पॉक में उसके फैसले से कहीं आने वाले वक्त में वो फंस तो नहीं जाएगा।